Fuel. अस्सलाम वालेकुम नासरीन। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं और फ़ारूक भाई आए हुए हैं एक मुर्गी फार्म में, और ये कुछ छोटा मुर्गी फार्म नहीं है और ना ही ये देसी मुर्गी फार्म है। ये एक पूरा कंट्रोल शेड है और यहाँ पे 1 लाख के आसपास जो है चूज़े होते हैं, मुर्गियाँ तैयार होती हैं। तो फ़ारूक भाई भी मेरे साथ ही हैं जी। फ़ारूक भाई, तो फार्म के बारे में कुछ बताएँ जी। ये 3 यूनिट पर मुश्तमिल है जाने वाला, तो एक यूनिट में 30,000 जानवर डालता है कम से कम। यानी कि 90,000 90 लाख के राउंड जानवर जो सकते हैं। ठीक है, 3 यूनिट है इसके। ठीक है, तो चलें नासिन आपको मुकम्मल तौर पे इसकी सैर करवाते हैं और किस तरह काम किया जाता है यहाँ पे। यह तो बहुत ज्यादा तजुर्बा है फारूक भाई के पास इसका, तो मुकम्मल तौर पे सैर करवाते हैं, किस तरह काम होता है, सारी चीजें आपको बताते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। तो नाज़रीन फार्म की फ्रंट साइड पे खड़े हैं और मेरे पीछे आप बड़े बड़े पंखे देख सकते हैं। और ये जो यूनिट है ये अभी फ़िलहाल बंद है, बाकी के दोनों में मुर्गी है। तो इसके बारे में आपको बताते हैं, फ़ारूक भाई से पूछते हैं कि क्या सिलसिला है इनका। जी तो आप मेरे पीछे पंखे देख सकते हैं, एक कंट्रोल हाउस में 8 से 10 पंखे। और दोस्तों ये जानवर की एज के लिहाज से चलते हैं और मौसम के साथ रखते हुए, सर्दियों में ये पंखे 2, 3 या 4 चलते हैं और दिनों रात में मुख्तलिफ औकात में कम और ज़्यादा किए जाते हैं। गर्मियों में कभी कभी फुल टाइम भी चलते हैं। और ये पंखे जब चलते हैं तो पैड या वेंटों के जरिए ताज़ा दम हवा लेकर मुर्गियों को फराम करते हैं और जो गंदी हवा है उसे बाहर फेंकते हैं। जी तो दोस्तों हम इस वक्त खड़े हैं बर्तनों के, जो एक आप देख रहे हैं बड़ा ढेर लगा पड़ा है, इसमें कुछ बर्तन जो हैं वो स्टार्टर फीड जानवर के हैं और बाकी जो हैं वो लाइनों के बर्तन हैं। तो दोस्तों ये बर्तन जो है ये स्टार्टर फीड का, जब चूजा आता है तो पहले 7 दिन के लिए इसमें फीड डाली जाती है और बाद में ये जो बर्तन आप देख रहे हैं ये लाइनों के साथ लगता है, ये अंदर आपको दिखाएंगे, तो इसका जो है वो इसमें फीड डलती है बाद में। जी तो हम इस वक्त फीड रूम में मौजूद हैं, तो मेरे आप मेरे पीछे फीड देख भी सकते हैं और यहाँ पर फीड डलती है वो भी आपको दिखाते हैं। जी तो यहाँ पर फीड डाली जाती है, ये इसे हापर बोलते हैं, तो बड़ा टब भी आप इसको कह सकते हैं। तो वैसे पोल्ट्री की जुबान में इसे हापर बोला जाता है। यहाँ से आगे 3 हापर छोटे होते हैं जो फार्म के अंदर मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से फीड डाली जाती है, उन 3 हापरों में जाती है और आगे लाइनों में तकसीम की जाती है। ये तो यहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इसे ब्रूडर कहते हैं और ये लकड़ी पे चलता है। दोस्तों ब्रूडर 4 किस्म के होते हैं, कोयले पे चलता है, डीजल पे चलता है और गैस पे चलता है। ये जो ब्रूडर है ये लकड़ी पे चलता है और सर्दियों में जानवरों को हीट फ्राम करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इसकी लकड़ियाँ डाली जाती हैं, तो बाकी जो है वो अंदर निज़ाम है वो भी दिखाते हैं। जी तो इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ इन्हें पैड कहते हैं, और पैड गर्मियों में कूलिंग फ्राम करने के लिए काम आते हैं और हवा के क्रॉस के लिए भी। सर्दियों में इन्हें खोला जाता है मगर मौसम के टेम्परेचर के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं। तो जैसे रूम कूलर घरों में काम करते हैं सेम टू सेम वैसे ही काम करता है। बिलाल भाई आपको दिखा सकते हैं, एक मोटर है जो पानी को पंप करके इनके ऊपर डाल रही है और ये कूलिंग पैदा कर रहे हैं। जी तो हम इस वक्त मौजूद हैं जनरेटर रूम में। दोस्तों एक शेड पे 2-3 जनरेटर का होना लाजमी है और हर जनरेटर कैपेसिटी के लिहाज से छोटे बड़े होते हैं। पहले स्टार्ट दिनों में जब जानवर छोटा होता है तो छोटे जनरेटर चलाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, उसके बाद ये चलाया जाता है और उसके बाद ये है। तो डीजल के स्टार्ट के लिए एक अदर टैंकी रखी होती है
जब कभी बिजली जाए ऑटोमेटिकली अलार्म बजता है और बिजली आने पर भी अलार्म चलता है और जाने पर भी अलार्म चलता है। जी तो इस वक्त हम मौजूद है कंट्रोल रूम में। दोस्तों यहाँ पे तमाम के तमाम सारे हाउस का जो निजाम है, फीड की लाइनों के बटन का कंट्रोल और शेड के हाउस के अंदर कितना टेम्परेचर चल रहा है या फैन को टाइमिंग देना है या किस तरह जो भी निजाम है सारा यहीं से जो बैठ के होता है। छत पे आए हैं और मेरे पीछे आप मंजर देख सकते हैं, एक यूनिट इस साइड पे है, एक पे हम खड़े हैं और एक इस साइड पे है। तीन यूनिट पे मुश्तमिल ये जो पूरा निज़ाम चल रहा है और 1,00,000 के आसपास इसमें मुर्गियां मौजूद होती हैं और अभी फ़िलहाल 1 खाली है, 2 में मुर्गियां मौजूद हैं। तो यहाँ के कुछ मंजर ले कर रखता हूँ, वो आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम फार्म के अंदर आ चुके हैं, मुर्गियां आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये काफ़ी लंबा चौड़ा सीन है इसका, वो आगे तक जा रहा है और मुर्गियों से भरा हुआ है। इसके कुछ व्यूज़ हैं वो भी आपको दिखाते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। एक हाउस में 4 वाटर लाइनें और 3 फीड लाइन होती हैं, बाज़ औक़ात 4 फीड लाइनें और 5 वाटर लाइनें भी लगाई जाती हैं मुर्गी की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए, तो फ़ायदा होता भी है। वैसे इस हाउस में 3 फीड लाइनें हैं और 4 वाटर लाइनें हैं। तो दोस्तों कंट्रोल हाउस का जो निज़ाम है फुल्ली ऑटोमेटिक निज़ाम होता है, सारे का सारा हर चीज़ कंट्रोल में रहकर की जाती है, तो इसीलिए इसे कंट्रोल हाउस कहते हैं। तो पानी का जो निज़ाम है आप देख सकते हैं, ये रेगुलेटर है यहाँ वाला, तो रेगुलेटर का जो कंट्रोल है पानी का, एज के हिसाब से पानी को अप डाउन किया जाता है। तो लाइन के साथ आप देख भी सकते हैं, बिलाल भाई दिखाते हैं आपको कि मुर्गियाँ जो पानी पी भी रही हैं। फीड रूम में आपने देखा कि बड़ा टब या हापर उसमें फीड डाली जाती है, उसके बाद मोटर वहाँ से फीड उठाकर इन पाइप्स के जरिए छोटे आपरों में फीड डालती है और छोटे आपरों से फाइन साइड पर जो लगी मोटर है इस पाइप के अंदर फीड जाती है और बर्तनों को फुल करती है, वन बाई वन चली जाती है। और जब सारे सब के सब बर्तन फुल हो जाते हैं तो मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रूडर की डक्ट है, ब्रूडर बाहर लगा हुआ है लकड़ी पे जो चलता है, आपको दिखाया भी है। तो अभी गर्मियां चल रही हैं तो ब्रूडर चल नहीं रहा, बंद है, बाकी सर्दियों में चलता है। अभी फिलहाल ये एक लोहे का पाइप भी नज़र आ रहा है आपको, इसके आगे जो फैन तक जो है वो डक्ट लगाई जाती है, पैराशूट की होती है या शॉपर की होती है। Thank you.
جی تو ناظرین فارم کی آپ نے مکمل طور پہ سیر کر لی ہے، فاروق بھائی نے آپ کو مکمل ڈیٹیل سے چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کس طرح ورک کیا جاتا ہے یہاں پہ، مکمل طور پہ کنٹرول شیڈ ہے یہ۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، مجھے اور فاروق بھائی کو دیں اجازت، ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔